आदमपुर हल्के की जनता जो भजनलाल जी के परिवार से, ये प्रवासी परिवार है, यहाँ से वोट लेके हमेशा विदेश में अपने व्यापार करता है, और कांग्रेस पार्टी भी भजनलाल परिवार की तरह ही, बीजेपी की तरह ही हमेशा प्रवासी प्रत्याशी को यहाँ उतारती है। आदमपुर की जो गरीब जनता है, किसान है, मजदूर है, कमेरा वर्ग है, छोटा दुकानदार है, वो आदमपुर हल्के में त्राई त्राई कर रहे हैं। आदमपुर हल्के में पानी, बिजली, सड़कें, पानी निकासी, आदमपुर हल्के का आज ये हाल है कि आदमपुर हल्का एक खंडर बन चुका है। जो ये ओम प्रकाश जी चौटाला ने, अभय सिंह जी चौटाला ने पूरी जो इनेलो पार्टी है उसने एक किसान मजदूर जो कि हल्के की मांग थी, पंचायतों की मांग थी, पंचायतों ने चुन के मुझे प्रत्याशी के लिए मांग की थी, पंचायतों का सम्मान करते हुए ओम प्रकाश जी चौटाला ने एक किसान मजदूर और कमेरा वर्ग के लिए मुझे प्रत्याशी के रूप में चुना। पूरे आदमपुर की जनता इस बात से बहुत खुश है, और सारे आदमपुर की जनता ओम प्रकाश जी चौटाला और अभय सिंह जी चौटाला का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। कुलदीप बिश्नोई के कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, क्या बताइए? कुलदीप सिंह के कार्यकाल में काम हुए हैं जी, विदेश में संपत्ति इकट्ठा करने का, ईडी के डर से बाएं से दाएं घूमने का। आज पूरा हल्का कुलदीप सिंह के विधायक बनने के बाद आज खंडर के रूप में हो चुका है। काम किस बात का किया है आप देखिए। आदमपुर जाके बरसात का समय था, दो दो ढाई ढाई फुट पानी निकासी नहीं हो रही थी। आदमपुर गांव, आदमपुर मंडी, खैरमपुर, सदलपुर, फसलें बर्बाद हो चुकी है। क्या कभी कुलदीप सिंह बिश्नोई ने किसान का, मजदूर का, कमेरे वर्ग का कभी आदमपुर में आके, प्रवासी ये तो इलेक्शन जीतने के बाद चले जाते हैं, आदमपुर में आके कभी सुधली विधायक बनने के बाद पानी की समस्या थी आदमपुर हल्के में, यहाँ डेढ़ महीने आंदोलन चला, बालसमंद गांव में और आदमपुर तहसील में, दोनों तहसीलों में किसानों की फसल बर्बाद होगी उस पे आंदोलन चला। कभी उसने ये पता नहीं कि कहाँ आंदोलन चल रहा है, वो तो आप विदेश से आए दोनों। आप अपनी फाइट किससे मानते हैं, कौन से प्रत्याशी से मानते हैं? मैं किसी पार्टी से मानते हैं, किसी से नहीं मानता। किसान मजदूर और कमेरा वर्ग अब की बार एक तरफा वोट डालेगा, किसान को वोट डालेगा। किसानों की मांग थी, गरीब आदमियों की मांग थी, कमेरा वर्ग की मांग थी, उनकी मांग आदरणीय चौटाला साहब ने पूरी की। एक तरफा बात वोट डालेगा, मैं किसी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं मानता। अच्छा, कम पार्टी भी आई है जो अपने शिक्षा को मुद्दे को लेकर बिजली पानी फ्री का इस तरह का लोगों को दे रहे हैं, तो देखो आम पार्टी तो झूठ का पुलिंदा है, दिखावा कुछ करती है, करने धरने ने कुछ नहीं। आम पार्टी यदि हरियाणा में आज चुनाव लड़ने के लिए आ गई आदमपुर में, वही केजरीवाल जी से उन्होंने कहा कि एस वाइल का हरियाणा में एक बूंद का भी हक नहीं, ये तो एक व्यापारी वर्ग के लोग हैं, ये चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम पार्टी हो, यहाँ कोई जनादाद नहीं।